अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सैयदा फार्मेसी। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सैयदा फार्मेसी के तमाम यूट्यूब मेंबर्स कैरियर से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला के शुक्र से मैं भी ठीक ठाक हूँ। व्यूअर्स आज की वीडियो में मैं आपको नियोबा टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू दूँगी, जो ख़ास तौर पर मर्दों के लिए टैबलेट है जो जिनसी ख्वाहिशात में इजाफ़ा करने, मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने और अज़्वाए ख़ास में तनाव पैदा करने के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। वीडियो में बताया जाएगा कि नियोबा टैबलेट को किन किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसकी फार्मूलेशन क्या है और वो कौन से लोग हैं जो नियोबा टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है वीडियो पूरी देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल सैयदा फार्मेसी को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं नियोबा टैबलेट की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 5 स्ट्रिप होती हैं और हर स्ट्रिप में 10-10 टैबलेट्स होती हैं और एक स्ट्रिप की कीमत 100 रुपये है। ये आपको हमदर्द फार्मा कंपनी स्टिटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी स्टोर से आसानी मिल जाएगी। अब बात करते हैं नियोबा टैबलेट की फार्मूलेशन की। तो इसमें कुदरती हर्बल अज्जा और जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जो मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करती हैं और वह ख़ास में तनाव पैदा करते हैं और स्पर्म्स को मजबूत करते हैं। व्यूअर्स आइए अब बात करते हैं नियोबा टैबलेट का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो नियोबा टैबलेट को आप दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टैबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स आइए अब बात करते हैं कि नियोबा टैबलेट को किन किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। नियोबा टैबलेट में मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए बहुत मुफीद है। इंसानी जिस्म में DHEA एक हार्मोन होता है जो कुदरती तौर पर होता है, जिस्म में पैदा होता है, जो जिनसी तल्लुक की तरफ रागब करता है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ये हार्मोन्स ख़त्म हो जाते हैं। जब इंसान के अंदर ये कुवत ख़त्म हो जाती है तो वह खास ढीला हो जाता है और सख्ती भी कम हो जाती है। इन तमाम कंडीशन में नियोबा टैबलेट बहुत मुफीद है। अगर आपकी टाइमिंग बहुत कम है तो इस कंडीशन में भी ये नियोबा टैबलेट बहुत मुफीद है, ये टाइमिंग को बढ़ाता है। मर्द हज़रा जिनमें बांझपन का ख़तरा है और उनके स्पर्म्स कमज़ोर होते हैं तो इस कंडीशन में भी नियोबा टैबलेट बहुत मुफीद है। नियोबा टैबलेट के इस्तेमाल से स्पर्म की ग्रोथ होती है जो ताकतवर और मजबूत और स्ट्रॉन्ग होता है। नियोबा टैबलेट हर किस्म की मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करता है। व्यूअर्स आइए अब बात करते हैं कि नियोबा टैबलेट के नुकसान की। तो इसके इस्तेमाल से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसा कि आपको नोज़िया हो सकता है, आपको उल्टी आ सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, आपका मुंह खुश हो सकता है। व्यूअर्स आइए अब बात करते हैं वो कौन से लोग हैं जो नियोबा टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। व्यूअर्स ये था नियोबा टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बार वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।